अपनी जिंदगी मजीद जहन्नुम नहीं बना सकती हूँ। मैं शादी करूंगी तो समीर से करूंगी और आज करूंगी अभी करूंगी। अब तक इतना यकीन तो हो गया होगा आपको मेरे पे कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको झूठे ख्वाब दिखाएं। लेकिन बात यह है कि अलीजे के रिश्ते के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए आपका घर पर होना जरूरी है। बस आप रेडी हो जाएं, अम्मी आपको लेने आती होंगी। आपको पता है मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती ये सोच के कि पता नहीं मेरी बेटी सज्जल किस बात पे मुझसे नाराज हो गई है कि ना खुदा ये ना मुझे फोन किया है। मैंने भी उन्हें रोका था कि भी बाहर मत जाएं, घर में मेहमान आया, लेकिन वो रुकी नहीं। मुझे लगता है उनका मूड खराब था। मूड का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन दिमाग जरूर खराब हो गया इसका। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। क्या बात है सर, किसकी कॉल थी? तुम बहुत परेशान लग रहे हो और ये खाना भी नहीं खा रहे। क्या करें यार, हम परदेसियों के दिल तो देश में बसे अपने घर वालों में ही अटके रहते। क्या बात है, आजकल तेरा दिल देश में कुछ ज्यादा ही नहीं अटक रहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर यार, खाने के बाद कॉल कर लेना ना। यार की थी मैंने कॉल, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एक्चुअली छोटी के रिश्ते के लिए आज कुछ लोगों ने आना था, उसकी बड़ी फिक्र हो रही है यार। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा यार, तुम पहले खाना खाओ फिर कॉल कर लेना दोबारा से, क्या हो गया? अच्छा सर, तुमने बताया था कि तुम्हारी बड़ी बहन की डाइवोर्स हो गई है, तो कुछ सोचा उनके बारे में? आई एम रियली सॉरी यार, तुमसे मैंने पर्सनल क्वेश्चन कर लिया। इट्स ओके। वो अम्मी बता रही थी कि वो छोटी के लिए जो लोग आ रहे हैं वो काफी विलिंग हैं, तो परी का ये है कि अब ज़ाहिर है डिवोर्स हो गई है तो रिश्ते में कुछ वक्त तो लगेगा ना। यार अल्लाह सब अच्छा करेगा, अल्लाह सबके लिए बहुत अच्छा करे। ये बहन भाइयों के रिश्ते भी ना बहुत अजीब होते हैं, जितना भी खून निचोड़ लो ना तो आप उनको तोड़ सकते हो ना छोड़ सकते हो। ठीक कह रहे हो, आप चाहकर भी इनसे बेरुखी नहीं बरत सकते। खैर कि ये बता, तू भाभी को कब बुला रहा है? यार कोशिश में लगा हुआ हूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलो खाना खा। हाँ। शादी? ये क्या क्या कह रही है फरहीन, शादी कर ली? अरे तौबा है, क्या जमाना आ गया है। अलीजे का रिश्ता पक्का हो गया, अभी आप चली जाएं यहाँ से। तुम बीच में मत पड़ो। एक सेकंड हटो, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ क्या कहा तूने? तूने इस लुच्चे लफंगे के साथ निकाह करवा लिया? इसके साथ? मैंने तुझे मना किया था, मैंने कहा था ना इससे दूर रहना, और तू अपना मुंह का लगा कर आ गई। क्या हो गया अम्मी, कोई गुनाह नहीं किया है, शादी की है मैंने, हराम काम नहीं किया है कोई। गुनाह नहीं किया? गुनाह नहीं किया तो क्या किया ये? भाई की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तूने, मां को जीते जी कब्र में उतार दिया, ये गुनाह नहीं किया तूने? तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तौबा तौबा, कयामत की निशानी है, इतनी ढिटाई और इतनी बेशर्मी कि शादी ही कर ली। आप बीच में मत बोलने तो बेहतर होगा, निकले हमारे घर से। अरे मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। नहीं, प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाए, आंटी आपको कॉल कर देंगी बाद में, प्लीज। आंटी आंटी प्लीज, आप जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, जा। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मैं और फरहीन मोहब्बत करते थे, हमने निकाह किया, प्लीज हमें कबूल कर लीजिए। सारी फसाद की जड़ तो तू है, शक्ल नहीं देखना जाती मैं तेरी, दफा दोनों यहां से।
अम्मी मेरी बात सुने, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आप कहने के लिए रह क्या गया है? हाँ, जीते जी मार दिया तूने मुझे, अब क्या रह गया है? आंटी एक बार इन लोगों की बात तो सुन ले। तुम चुप करो, तुम मत बोलो बीच में। बेशरम, गैरों के सामने भी जलील करा के रख दिया माँ को। फरीन मैं कसम खाती हूँ, वसीयत करके जाऊंगी। मेरी वसीयत है कि इसको मेरा मरा हुआ मुंह ना दिखाना। अम्मी आपकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ? आप मेरी खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकती? इतने वक्त बाद अगर मैं खुश हूँ समीर के साथ तो आपसे देखा नहीं जा रहा है क्या? आंटी प्लीज अब बस कर दें, माफ कर दें हमें, हमें मौका दें अपनी खिदमत का, प्लीज हमें कबूल कर लें। तुम दोनों को माफ करने के बजाय मैं खुद जहर ना खा लूं। हाँ, मैंने मना किया था तुझे, मना किया था। चली जा यहां से, अब कभी अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। लोग चले जाएं अभी यहां से, यही बेहतर है। तुम ज्यादा सगी मत बनो, इसे के दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं इसके साथ इतना बुरा करूंगी, गला दबा के मार दूंगी मैं इसको यहां पे। और क्या ही बुरा होगा अम्मी मेरे साथ? पहले आपने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा दी, उसके बाद भाई का दिल मेरी तरफ से खराब कर दिया, और अब जब मैं कुछ अपने लिए अच्छा करने जा रही हूँ, मेरी जिंदगी में कोई खुशी आ रही है, तो आपको वो भी कबूल नहीं है। मैंने सिर्फ शादी ही तो की है, और क्या किया है मैंने? तूने अपने दिल की आग हमारी इज्जत को जला के ठंडी की है ना, अब क्या चाहती है? जा चली जाए यहां से। अम्मी अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी, आप मान जाए मैं तो सिर्फ नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुझे कहा था ना, अगर तूने इस शख्स से रिश्ता जोड़ा तो तू हम जैसे किसी से भी वास्ता नहीं रखेगी, तू कभी सुख से नहीं जिएगी। मेरी बददुआ है तुझे अम्मी, मैं तो सिर्फ आपकी दुआ लेने आई थी। तू हमेशा नाखुश रहेगी, दफा हो जा यहाँ से, चली जा। अम्मी आपको क्या हो गया अम्मी? बददुआ दूंगी मैं तुझे। फरीन चलो, मैं प्लीज आपकी सिर्फ दुआ लेना चाहती थी अम्मी। समीर छोड़ो मुझे अम्मी, प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ ना अम्मी, मेरी शादी को कबूल कर ले, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी। नहीं चाहती हमें यहाँ पर, तुम चलो। समीर चलो। अम्मी 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 आपको क्या हो गया? अम्मी 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 भाभी भाभी क्या हुआ है? अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। आंटी आंखें खोले, क्या हुआ? आंखें खोले, क्या हुआ? आप कॉल करें एम्बुलेंस को। आंटी कहाँ? अम्मी आंटी आंखें खोले, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, भाभी जल्दी से कॉल करें। मैं कॉल करें, मैं आ रही हूँ, ख्याल रखना। अम्मी अम्मी आंखें खोले। आइए आइए, देखे देखे देखे। बहुत अच्छा लग रहा है जी बेगम साहिबा, ये लीजिए, अपने मुबारक हाथों से अपने घर का दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके मुबारक कदम इस घर में पड़े। वैसे अक्सर इन मौकों पर नंदे या सासे नई दुल्हन का इस्तकबाल करती हैं। देखें मिस फरीन, अब चाहे सास हो, ससुर हो या फिर नंद, सारे रिश्ते मैं ही हूं, और वैसे भी शोहर तो आपको हैंडसम मिल ही गया है। ओह
हो, बहुत मजे आ रहे हैं ना, कितने शोखे हो रहे हैं ना। अच्छा चलो अब दरवाजा खोलो, क्या पूरी रात यहीं खड़ी रखोगी? अच्छा वैसे भी तुम्हारी अम्मा ने जो बेइज्जती की है ना, कसम से पूछो मत। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर तुम किसी भी दिन लेट होए ना तो यहीं बाहर सोना पड़ेगा तुम्हें। और जहां तक अम्मी की बात रही ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आए मेरी जालिम बीवी, अभी से सजाएं सोच ली। क्या होगा समीर तेरा, क्या होगा? बस बस, ये एक्टिंग ना कैमरे के लिए संभाल के रखे, ठीक है? मैं तो चाह रहा हूँ कि हम खुशी खुशी इस घर में अपना पहला कदम रखें। जो बातें अम्मा ने तुमसे कही हैं, तुम समीर प्लीज बार बार मत जिक्र करो ना उस सब बात का, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ है। अम्मी ने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। मैं तो बस इसी वजह से इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि तुम्हारा ध्यान बटे। तुम बहुत अच्छे हो समीर, मुझसे बहुत प्यार करते हो। और दूसरी जगह मेरे अपने। अच्छा बस बस बस, दिल खराब मत करो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर इतना अंधेरा क्यों है? लाइट तो खोलो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाँ मैं खोलता हूँ। ये है तुम्हारा फर्निश्ड अपार्टमेंट, यहां लेकर आए हो तुम मुझे? तुम तो इस घर की दीवारों पे पेंट करवा रहे थे नया? हाँ क्या हुआ उस पेंट का? मैचिंग करनी थी तुम्हें फर्नीचर के साथ, बल्कि तुम तो बेडरूम में भी नया पेंट करवा रहे थे ना फर्नीचर के साथ, वो भी तो जरा देख कर आऊं मैं। फरहीन ये भी ठीक से रखा मैं, इसको भी कभी हटा दो ना। या अल्लाह मैं कहाँ आ गई हूँ? ये इस घर लेकर आए तुम मुझे? फरहीन जिसकी मर्जी कसम उठवा लो, मेरे साथ जो हुआ है ना, खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। मेरे भाइयों ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी बकवास बंद करो। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, मुझे तुम पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत धोखेबाज हो। बदगुमानी ठीक नहीं है। जाना है ना तुम्हें अपनी अम्मी के पास, तो चली जाओ चली जाओ, मैं तो वैसे ही अकेला हूँ, छोड़ दो मुझे। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी, यहाँ एक्टिंग के पैसे नहीं मिल रहे तुम्हें। तुम्हें कोई अंदाजा तुमने मेरे साथ किया क्या है? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो समीर? मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकने वाली। मैं चाह रही हूँ फरहीन, 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 खुदा की कसम मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। धोखा दिया है तुमने मुझे समीर। फरहीन तुम्हें मेरी कसम, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे, क्या समझाओगे? तुम्हारे खातिर मैं अपनों को छोड़ के आई, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने घर वालों से लड़ाई ली है मैंने, और तुमने बदले में क्या दिया मुझे? मैं तुम्हें ये धोखा, ये किया तुमने मेरे साथ। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ किस कदर ज्यादती की, मगर मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो, खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? झूठ, तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठी लग रही है?
झूठी मोहब्बत में इंतजार नहीं किया जाता। तुम्हारी शादी के बाद भी इंतजार किया मैंने तुम्हारा, और तुम मुझे झूठा बोल रही हो। समीर, अगर तुम्हें लगता है ना ये तुम्हारी बकवास बातें सुन के मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी तो ये गलत फहमियां तुम्हारी। मैं एक मिनट इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फरीन, 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 बस बस मेरी बात सुनो तुम। समीर छोड़ो मेरा। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो। कहां जाने की बात कर रही हो तुम? कहां जाने की बात कर रही हो? उस घर में, उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। भूल रही हो तुम, भूल रही हो तुम्हें धक्के देकर निकाला है उन्होंने, और फिर भी तुम जाना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कबूल कर लेंगे, तो भूल है तुम्हारी। इस पूरी दुनिया में ना, इस पूरी दुनिया में इस वक्त तुम्हारे लिए एक ही जगह है, बस एक ही जगह, और वो है ये घर। और मैं तुम्हारा शौहर हूं यार, मैं कैसे समझाऊं? ठीक, अगर फिर भी तुम यहां से जाना चाहती हो, जाना चाहती हो ना, जाओ जाओ जाओ, नहीं रोकूंगा तुम, नहीं रोकूंगा। कोई भी नहीं उठा रहा है सज्जन, तुम भी नहीं उठा रही हो। किसे कॉल करो यार, रो मत प्लीज मेरी बहन, दुआ करो इंशाल्लाह आंटी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा तुम चलो बैठो, आज आज बैठो, ऐसा करो दुआ करो इंशाल्लाह आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी, रो मत। मेरी ना भी बहुत बुरी है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मेरे को कुछ हो गया तो। अलीजा क्या कर रही हो, किसे फोन कर रही हो? अश्विन भाई को। नहीं मेरी जान, वो वहां पर अकेले हैं, यूं अचानक ऐसे सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, और फरीन आपी का भी तो नहीं पता उन्हें। लेकिन भाई को बताना जरूरी है, कहीं अम्मी को कुछ हो ना जाए और हम दोनों अकेले हैं यहाँ पे। अल्लाह ना करे अलीजा, कुछ नहीं होगा आंटी को, आंटी जैसे थोड़ा बेहतर हो जाएंगी मैं अशर को खुद फोन करके बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं हमार भाई को बोलती हूँ कि वो आ जाएंगे यहाँ, हॉस्पिटल के सारे काम वो खुद देख लेंगे। इस वक्त कॉल करेंगी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नहीं कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हमार भाई, वो आंटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो हमें हॉस्पिटल आना पड़ा है, मैं और अनीसा यहाँ अकेले हैं, आप आ जाएंगे अम्मी को लेकर? जी जी ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ।
आ जाए, अल्लाह हाफिज़। आ जाए, हिम्मत रखे मुझे। सज्जल जो भी बात है मुझे फौरन बता दीजिए वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। बताइए क्या बात है। वो फरीना भी समीर के साथ निकाह करके घर आ गई थी तो ये समीर छोटा मोटा अदाकार जिसके अपने पास खाने के पैसे नहीं है, जो तुझे दो वक्त का खाना नहीं खिला सकता, उसके साथ तू हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की बातें कर रही है। अब समीर बहुत बदल गया है अम्मी। आपकी बेटी के लिए उसने फर्निश्ड घर लिया है, मुझे वहां पर बहुत सुकून रहेगा, कोई मसला नहीं होगा मुझे। कब तक यूं ही बैठी रहोगे? चले जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहां जाओ फरीद, अब तो तुम ही हो रास्ता और तुम ही हो मंजिल। ऐसा मत करो फरीन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ, बस मुझे एक मौका दे दो। जो मेरे बाप और भाई ने मेरे साथ किया उसकी सजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कसम खा रहा हूं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी अपने भाई के पास लेके जाता हूं। तुम्हारा भाई भी झूठा। कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। रिहायशी बदनसीब हूं मैं। छोटा था तो मां छोड़कर चली गई, भाई ने और बाप ने जलील करके पाला, एहसान जताते थे दो वक्त की रोटी देते हुए भी, कितनी मुश्किल से आधी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल की, छोटी मोटी नौकरी की, और फिर तुम मिल गई मुझे। सोचा जिंदगी की हर महरूमी खत्म हो गई, पर भूल थी मेरी, भूल थी, तुम्हारे दिल में खोट था, नियत खराब थी तुम्हारी। नहीं फिर मैंने तुमसे कितना कहा मुझे अपार्टमेंट दिखा दो दिखा दो दिखा दो, लेकिन नहीं, झूठे बहाने बनाते रहे मुझसे ताकि मुझे तुम्हारी असलियत पता ना चल जाए। जो हुआ ना सो हो गया, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरी बात का, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खाने को कुछ लेकर आता हूं, शहर से आना मेरे लिए, शायद थोड़ा सुकून मिल जाए।
भाई क्या कहा है डॉक्टर ने? कैसी आंटी है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें एंजाइना का अटैक आया और डायबिटीज भी हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक थी, ऐसी खुशबाश गई थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया। सचल तुमने अशर को बताया? नहीं अम्मी जी, आंटी थोड़ी स्टेबल हो जाए तो फिर एक ही दफा कॉल करूंगी। वो ऐसे परेशान हो जाएंगे, क्या कहूंगी, वहां पर अकेले हैं वो। सही कह रही हो, देखो अलीसे भी कितनी परेशान लग रही है। बड़ी वो वाली फरहीन कहाँ है? वो कहाँ है? उसको यहाँ होना चाहिए था। वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं तो कहाँ है? नहीं, वो फरीना भी ने किसी से भाग कर शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, तो इसलिए आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, यहाँ ले आए। कहा था ना अगर तूने इस शख्स से रिश्ता जोड़ा तो तू हमने से किसी से भी वास्ता नहीं रखेगी, तू कभी सुख से नहीं जिएगी। मेरी बद्दुआ है तुझे अम्मी, मैं तो सिर्फ आपकी दुआ लेने आई थी। तू हमेशा नाखुश रहेगी, दफा हो जा यहां से, चली जा। कह रहे हैं डॉक्टर, कैसी तबीयत है अम्मी की? अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी वो उन्हें इमरजेंसी में रखेंगे। भाई आपने देखा है आंटी को, ठीक है वो? नहीं, अंदर तो नहीं जाने दे रहे अभी, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो बहुत पॉजिटिव है। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा बेटे, दुआ करो। भाभी रात से भाई के कितने फोन आ चुके हैं, अब तो मैं उन्हें बता दूंगा, फोन ना उठाने से वो मजीद परेशान होंगे। हाँ अली से बता तो दूंगी मैं, उन्हें बताना तो है ही, लेकिन तुम ना उसे तरीके से बताना, दोनों खबरें सुन के बहुत परेशान हो जाएगा। मीन आंटी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, फरीन अभी वाली बात कैसे बताऊं मैं उनको, कैसे जिक्र करूंगी? छुप तो नहीं सकती ना ये बात, बतानी तो है ना। हाँ सजल अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें खुद अशर से बात करनी चाहिए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आता। तुम लोगों में
एहसास नाम की कोई चीज है या नहीं है? मैं कब से कॉल कर रहा हूं, कोई कॉल उठाने को राजी नहीं है। ना कॉल का जवाब देते हो, ना टेक्स्ट का जवाब देते हो, कर क्या रहे हो तुम लोग? अशर, वो आपको बताया तो था कि आंटी की तबीयत खराब हो गई है। मैं और अलीजा इतना घबरा गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अम्मी तबीयत खराब? क्या हुआ है अम्मी को? बात करवाए मेरी उनसे। अभी बात नहीं करवा सकती हूँ। सब ठीक तो है ना सजल? सजल कुछ छुपा तो नहीं रहना आप मुझसे? अम्मी है कहाँ? वो इमरजेंसी में है। What? इमरजेंसी? सजल क्या हुआ अम्मी को? उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गए। अभी वो बेहतर है, मैं आपकी थोड़ी देर में उनसे बात करवाती हूँ। और आप फिक्र ना करें, मैंने अम्मी और हमाद भाई को भी फोन कर दिया, वो आ गए हैं। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, मेरा दिल इतना परेशान है, एक पल चैन नहीं आया मुझे। सोचा था कि शायद वो अलीजे के रिश्ते वालों ने एतराज कर दिया और छोटी छोटी बातों से अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं अशर, वो लोग तो बहुत खुश गए हैं। इनफैक्ट वो अलीजे को शगुन भी देख कर गए हैं, इससे कोई बात नहीं है। खुश गए थे तो अम्मी की तबीयत क्यों खराब हुई है? बस सचल मुझसे कुछ झूठ मत बोलिएगा, छुपाइएगा मत कुछ। शर्म, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती? जो कुछ हो गया है वो ज्यादा देर तक छुपाया भी नहीं जा सकता। मैं आपको बता देती हूँ, आपको मेरी बात तहम्मुल से सुननी होगी। लेकिन सज्जल जो भी बात है मुझे फौरन बता दीजिए वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। बताइए क्या बात है? वो फरीना भी समीर के साथ निकाह करके घर आ गई थी, तो हेलो अशर नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक मेरी जान, ये तुम्हारे लिए। मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? अंदाजा भी है कि कितने महीनों से मैं इस सुबह का इंतजार कर रहा था। खुदा ना खास था तुम्हारा मजाक उड़ाने से पहले मुझे मौत ना आ जाए। कसम से मैं निकाह से पहले तुम्हें सब बताना चाहता था,
बस मुझे ही लगा कि तुम ये ना समझो कि मैं शादी से भागने के लिए बहाने बना रहा हूं। फिर भी तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था ना समीर। अगर तुम पीछे हट जाती तो मैं तो कहीं का नहीं रहता ना। बस इतना कहूंगा कि जो इंसान का वक्त बुरा चल रहा होता है ना, तो जिस पर अंधा एतमाद होता है वो भी नजरें फेर लेता है। जो भी है समीर, मैं यहां नहीं रह सकती हूं। मैं नहीं रहूंगी यहां पे। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुमने मुझे कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है? मैं कसम से मैं खुद इस चोट पर मरहम लगाऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। समीर तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो दोबारा मुझे। नहीं ना यार, अब तुम हो ना मेरे साथ, तो मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। प्लीज ना फरीन। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ गरम गरम। मैं रात से कुछ नहीं खाया, चलो उठो उठ के नाश्ता करो। समीर मुझे कुछ नहीं खाना है। मेरी खातिर ना प्लीज। वो फरीन अब तो हम एक हैं, दुख सुख के साथ ही हैं, कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। प्लीज चलकर नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं खाना मुझे। ऐसे नहीं खाऊंगी, तुम उठो। मैं मना कर रही हूं ना समीर, नहीं खाना मुझे। मेरे अब्बा, मेरे भाइयों ने भी मुझे आग कर दिया समझो, और तुम भी अपनी कश्तियां जला कर आई, तो लड़का तो हमें इकट्ठे ही है। समझो इस बात को, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पर। प्लीज बस चलो चलो। बैठ बैठो। प्लीज ना रो मत, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। साफ कर। चल चल।